कांग्रेस की तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी है। नांदेड़ के तुलसी कंफर्ट हॉल में तालीम याफ्ता मौजूद शहरियों का जलसा मुनक़िद हुआ। सीनियर सर्जन डॉक्टर जिलानी की सदारत में की गई इस मीटिंग में माजी शिक्षण मंत्री कमल किशोर कदम, कांग्रेस शहर सदर अब्दुल सत्तार, मसूद अहमद खान, सीनियर एडवोकेट अमजद सिद्दीकी, मुफ्ती अयूब कासमी, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सभी संगठन के जिम्मेदारान शरीक थे। जलसे में कांग्रेस के उम्मीदवार वसंत चौहान ने खिताब किया। एडवोकेट अब्दुलरहमान सिद्दीकी ने वसंत चौहान का पुगे देकर इस्तकबाल किया। वहीं शहर कांग्रेस सदर अब्दुल सत्तार ने तमाम मेहमानों को फूल देकर तहनियत की। एडवोकेट अब्दुलरहमान सिद्दीकी की इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर खुलकर चर्चा की गई और नांदेड़ के वोटर से जमहूरियत की हिफाजत और मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए वोट्स की अपील भी की गई। एडवोकेट अब्दुलरहमान सिद्दीकी ने मेहमानान को मौजूदा सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया और इस पार्लिमानी इंतखाबात की अहमियत और इसमें दानिश्वरों के किरदार को वाज़ह करने की कोशिश की। तमाम मेहमानान ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने दोस्त अहबाब और जितने भी मिलने वाले हैं इन सब को ये आगाह कर दें और इसकी तरगीब दें कि हमें वोट कांग्रेस को डालना है और अपनी 100% वोटिंग से मुकम्मल करना है और श्री वसंतराव चौहान को हमें MP बनाकर भेजना है। और ये क्यों? और ये इसलिए ये मौजूदा आज जी बैठक घेतली लोकसभा उमेदवाराच्या निमित्तानं आणि ही सगळे बुद्धिजीवी लोकांची बैठक होती। यामध्ये डॉक्टर्स, वकील, प्राध्यापक सगळे प्रमुख मंडळी या बैठकीला उपस्थित होती आणि सगळ्यांना आवाहन केलं आम्ही काँग्रेस महाआघाडीतर्फे की येणाऱ्या ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला मदत झाली पाहिजे, काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार निवडून द्यावं ही विनंती। पहले तमाम बुद्धिजीवी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और सब ने एक जबान होकर ये अहद किया, ये वादा किया कि आने वाली 26 तारीख को हम सब मिलकर हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे पहचान वाले, हमारे से मुतल्लिका तमाम लोगों को हम कांग्रेस के हक़ में वसंत राव जी चौहान के लिए वोट करवाएंगे और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और उसके बाद 5 साल तक इंशाल्लाह हम उनसे हमारे तमाम काम करवाएंगे। वसंत राव चौहान साहब यकीनी तौर पर कामयाब हो रहे हैं। बातिल जो लोग हैं जो है हुकूमत में आकर जो है हमारे वोट के अधिकार और इसी तरह जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर 100% वोट किया जाए तो जमहूरियत बाकी रहेगी, न जमहूरियत को ख़तरा रहेगा, न मुल्क को ख़तरा रहेगा। हम जो लड़ाई इस वक्त में लड़ रहे हैं और अलायंस जो लड़ाई लड़ रहा है वो जमहूरियत की बका की लड़ाई है, मुल्क के बका की लड़ाई है, मुल्क के सालिमियत की लड़ाई है। मैं ये चाहता हूँ कि हम तमाम के तमाम लोग फिक्रमंद हों और वोट डालने के लिए जो 26 तारीख को वोट डालें तो वो जो है वसंत राव जी चौहान को जो है खुलकर वोटिंग करें और इस बात का ऐलान करें कि इस मरतबा में हम किसी और को वोट नहीं डालेंगे, ये हमारी बका की। आपका सर्वांच बंधु ज्यांनी 45 वर्ष जनसेवा केलेली आहे, 15 वर्ष नायगावचे सरपंच, 10 वर्ष जिल्हा परिषदेचे सन्मान्य सदस्य, मार्केट कमिटीचे चेअरमन, 16 वर्ष, 10 वर्ष विधानसभेत, 6 वर्ष विधान परिषदेमध्ये आणि नांदेड जिल्हा बँकेचे सन्माननीय अध्यक्ष, ज्यांनी नांदेड जिल्हा बँक बुडवण्याची वर काढलेली आहे, त्याच्यामुळे असा उमेदवार आपल्याकडे आहे, गोरगरिबांचं कल्याण करणारा उमेदवार आपल्याकडे आहे, म्हणून दिनांक 26 तारखेला हाताच्या पंजावर निशाणीवर आपल्याला सगळ्यांना मतदान करायचंय। आपण कोणीही घरी बसून राहू नका, आपण कोणी घरी बसून राहू नका। हा संकटाचा पिरियड आहे, संकट आलेला आहे आणि या संकटाचा सामना करून पुन्हा एकदा तिरंग्याची शान राहील यासाठी सर्वांनी वसंतराव चव्हाण यांना हाताच्या निशाणीवर 26 तारखेला मतदान करावं एवढी मी आपल्याला प्रार्थना करतो आणि खासाहेब आपले विशेष आभार मानतो। आपण ही सुंदर बैठक आयोजित केली, पुनः एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानून थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ज्या लोकांनी तुम्हाला 25 वर्ष काँग्रेस अच्छी कल तक तुम 8 दिन पहिले काँग्रेस अच्छी बोल के गाल्या दिए तुमका मोदीजी को, शाहजी को,
आखिर में क्या हुआ, गल्ले को गल्ला मिला। दुसरी गोष्ट आलंच आहे बघा, महिन्याखाली हे प्रताप पाटील असतील, कंदकुर्ते असतील, त्या फोटोला तुमचे जोडे मारलेले फोटो आले होते, तुम्हाला जोड्याने हातात घेऊन मारवले। सब लोक देखे झूठ बात नाही, अब तुम एक एक गल्ले में मिट्टी मार ली, लोहा किधर जाना, लोगों ने ठहरा है। इस मुल्क के प्रेसिडेंट एपीजे कलाम जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर का एक बेहतरीन पढ़े लिखे वाला प्रेसिडेंट समझा जाता है, एपीजे कलाम, उसके बाद में हमारे सरदार मनमोहन सिंह, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका ये किया गया है, और हमारे सोनिया गांधी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे एक से एक अच्छे आदमी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की ताकत यह है। MSCIT चा संपूर्ण अभ्यासक्रम 2 महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होतो। हा कोर्स मराठी, इंग्लिश व हिंदी या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे। MSCIT कोर्सचे ॲप्लिकेशन फॉर्म नजीकच्या अधिकृत MSCIT केंद्रावर उपलब्ध होतील। फॉर्म आणि फी भरल्यानंतर विद्यार्थ्याला लर्नर ID आणि पासवर्ड मिळेल। या ID आणि पासवर्डच्या सहाय्याने इरा ई लर्निंग प्रणालीमधून कोर्स ॲक्सेस करता येईल। तसेच विद्यार्थ्याला सचित्र व माहितीपूर्ण पुस्तक देण्यात येईल। यशस्वीरित्या कोर्स पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना MSBTE तर्फे फायनल सर्टिफिकेट दिले जाईल। चला तर मग आजच MSCIT करूया। अधिक माहितीसाठी www.mkcl.org/join या वेबसाईटला भेट द्या किंवा नजीकच्या MSCIT केंद्राशी संपर्क साधा।